इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर कनाडिया बिचोली हप्सी मलारगंज खुड़ेल राऊ डॉक्टर अंबेडकर नगर महू सांवेर दयालपुर व हाथौद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों जमीन के जादूगरों का खेल जोर शोर से चल रहा है। एक और बड़े बड़े भू माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे, तो वही एक शख्स ऐसा भी है जो दूसरों की जमीन को अपना बताकर अन्य लोगों से उस जमीन की बिक्री कर रहा है, जिसकी जांच अब पुलिस बारीकी से कर रही है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के बिचोली हप्सी में स्थित एक कृषि भूमि का है, जिसे जमीन मालिकों के द्वारा कृषि न कर पाने के चलते बटाई पर रमेश पाटीदार नाम के कृषक नाम को सन 1996 में मुख्तारनामा रहित अनुबंधन कर दी थी, ताकि वह जमीन पर खेती किसानी का कार्य करते हुए उनकी जमीन का सही रख रखाव चौकीदारी नियमित रूप से करता रहे। लेकिन रमेश पाटीदार ने गलत इसका फायदा उठाते हुए बटाई पर दी गई हमारी जमीन को कई लोगों को बेचकर लाखों रुपए की ठगी कर उन्हें अपना शिकार बनाया है, जिसकी शिकायत ठगी का शिकार हुए लोगों के द्वारा पुलिस को की गई है। वही रमेश पाटीदार द्वारा हमारी जमीन को बेचने की बात सामने आने के बाद हमारे द्वारा भी पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों को गई है। अब हम पुलिस से यही आग्रह करते हैं कि जल्द से हमें न्याय दिलवाए, और वहीं फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रमेश पाटीदार, जिसने की जमीन मालिकों से जमीन बटाई पर ली थी लेकिन उसके द्वारा उक्त जमीन को कई लोगों को विक्रय कर दी है, जिसकी जाँच उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है, वही पूरी जाँच के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही करेगी। टीम भारतीय न्यूज। शुभ नाम बताइए आपका। मुकेश परदेसी, पिता मोहनलाल परदेसी। मुकेश जी, क्या मामला है जमीन को लेकर? ये जमीन है जो हम तीन भाइयों में थी, और जिसमें कि दो हैं जो जयपुर में शिफ्ट हो गए थे। मैं यहाँ पे देख अवेयर करने के लिए अकेला था, होती नहीं थी। तो ये रमेश पाटीदार बोला मैं इसकी देख अवेयर कर लूँगा, तो हमने इसको प्रतिफल रहित पावर उस समय हमने इसको देख अवेयर करने के लिए दिए थे, लेकिन ये पावर लेते के साथ ने इसे कुछ समय में ज़मीन बेचने का प्रयास किया और किसी को बेच के पैसा ले लिया, और उसके बाद में ये वहाँ पे कि भाई बटाई में करेंगे कुछ तुमको मिलेगा, मेरा भी घर चलता रहेगा। उसके इसने आज तक कुछ दिया नहीं, ये खाता रहा। और उसके बाद अभी ये मालूम पड़ा है कि ज़मीन को 2021 में किसी तीन चार लोगों से बेच के और उनसे पैसा इसने ले लिया। तो वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि ये कम से कम जो भी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी करें और हमें हमारी ज़मीन को दिलवाएं। कितनी ज़मीन है और ये कहाँ पे है? ज़मीन बिचोली हप्सी में है और 3 acres 20 decibels ज़मीन है। अच्छा जी, तो ये क्या आपने जब ये आपको धोखाधड़ी पता चली या जो भी आपको लग रहा है कि उसने जमीन बेच दी है जी, तो क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस में की थी? पुलिस में हमने आवेदन दिया था 6 महीने पहले। पुलिस के अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और वो लोग इसकी जांच में लगे हुए हैं जल्दी से जल्द। अभी हमें ये मालूम पड़ा है कि इसने पेपर प्रेस में भी कुछ गलत वो करके भ्रमित किया है। तो क्या आप क्या न्यायालय की शरण लेंगे इस मामले में? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय जाएंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। अभी जमीन पे जो है बताया जा रहा है, उनका आरोप था कि जबरन कब्जा कर लिया है। नहीं, जमीन पे कब्जा क्यों, हमने तो उसको बटाई पे दिया हुआ है। कोई वो मालिक थोड़ा है, जो मालिक तो हम ही है ना, हम हमारी जमीन को क्यों कब्जा करेंगे? जमीन हमारी है, भूमि उसके स्वामी हम है, वो कौन है? और फर्जी तो वो है 420 CA लोगों को ऐसे प्रतिबल रहित पावर लेके और लोगों को बेच रहा है, उनसे पैसा ले रहा है। लोग तो हमें परेशान करते हैं ना, उसका क्या है, वो कोई मालिक थोड़ा है। नाम बता दीजिए आपका। मुकेश परदेसी, पिता मोहनलाल परदेसी। असल में ये जमीन है रमेश पाटीदार ने मुकेश परदेसी आनंद डागा और दया शंकर शर्मा है इनसे बटाई पे ली थी कार्य करने के लिए। इनके नाम से इनने आम मुख्तियारनामा प्रतिफल रहित किया था उस समय, लेकिन इसने क्या करा था कि रमेश पाटीदार ने वो ज़मीन किसी अन्य लोगों को विक्रय कर दी। इनको मालूम पड़ा कि और भी कुछ लोगों को ये बेच रहे थे, इनने वो जो मुख्तियारनामा था जो मुकेश परदेसी और इनने निरस्त करा दिया था।
अब पूरे मामले में जांच की बात सामने आ रही है, किस तरह की जांच की जा रही है और आगे क्या होगा? जांच हमारे श्रीमान एसीपी महोदय खजराना कर रहे हैं। जमीन अभी इन्हीं के नाम पे है, अपने मुकेश परदेसी, आनंद डागा और दया शंकर शर्मा के नाम पे है। इनके नाम से सिर्फ आम मुख्तियारनामा प्रतिफल रहित कराया गया था, वो भी जमीन वालों ने निरस्त करवा दिया है। जिस तरह की धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है कि रमेश पाटीदार के ने पहले ही जमीन दे दी, तो पुलिस अब उस पर क्या कार्रवाई करने जाएगी? वो जांच कंप्लीट लगभग हो गई है, तो अगर ऐसा मुकदमा कायम कर देंगे उसमें। सर क्या धाराओं में केस बन सकता है अगर ऐसा होता है? 420 और जो भी धाराएं जो आएंगी। Subscribe now to most exciting channel ever.